इनेलो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा बोले, भाजपा सरकार फसलों के दाम बढ़ाने के नाम पर किसानों से धोखा कर रही है। अशोक अरोड़ा का दावा, देश में कुल कृषि उत्पादन का केवल मात्र 6% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाता है। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौधरी चरण सिंह तथा चौधरी देवीलाल से बड़ा किसान हितैषी बताने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धनखड़ की छोटी सोच है। इनेलो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने आज मीडिया से बातचीत में सरकार द्वारा फसलों के दाम बढ़ाने को किसानों से धोखा बताया और कहा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई, इसलिए किसानों के साथ धोखा है, क्योंकि गत वर्ष हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी गई अपनी संस्तुति में यह स्वीकार किया था कि 1 क्विंटल धान के उत्पादन में 2,860 रुपए की लागत आती है, जबकि पिछले एक वर्ष की अवधि में डीजल के रेट में 16 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। खाद पर शून्य वैट होता था और अब GST 5% लगाया गया है। क्योंकि अगर उनको ये आधार घूमने हैं तो उनके चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं चाहे हम नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ने हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जो ये कहते हैं गिरफ्तारी नियुक्ति, इनके पुलिस अधिकारी DSP रैंक का आके कहते हैं कि हमने आपको गिरफ्तार किया और जहां हो आपको अस्थायी जेल घोषित करते हैं और उसके बाद इनका SDM लेवल का अधिकारी आके वो ये कहते हैं कि हमारे पास आपके रखने की व्यवस्था नहीं, हमने तो इनको चैलेंज किया था, तुम एक दिन तो रख के दिखा दो। जब इनके पास रखने की व्यवस्था नहीं होती तो ये दरवाजे गेट बंद कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन का गेट नहीं बंद कर सकता बाहर काटने तक के। तो इस प्रकार की बात, इस देश के किसानों को धनखड़ से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये पूरा देश जानता है कि देवगौड़ा जी ने चौधरी देवलाल किसानों के लिए जो किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी समाज कल्याण की स्कीमें वो चौधरी देवलाल द्वारा शुरू की गई। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर स्पोर्ट प्राइस पे जीरी या गेहूं खरीदी जाती, मैंने पहले बताया चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब ने मंडियों को इतना मजबूत किया था। मैंने तो आपके पड़ोस में UP है, राजस्थान है, कोई दाना भी नहीं खरीदता। यहाँ तो किसान के समर्थक चौधरी देवीलाल जैसे नेता रहे हैं, तो चौधरी देवीलाल की बात धनखड़ जैसे लोग करें, चौधरी देवीलाल तो देश के प्रधानमंत्री का पद भी अपना दूसरे को दे दिया था। ऐसे लोगों को ये बात शोभा नहीं देती, इनको तो किसान की फसल पे ओले पड़े ना चिन्ह जी करें, ऐसे लोग को मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यार वो सारी सड़क एक साइड से बैठ गई है, अभी तो अभी ताजी बनाई थी वो सारी, नहीं साल पहले जो एक साइड बड़ी ताजी बनाई थी अभी वो सारी की सारी बैठ गई है सड़क। इसकी कोई मैं तो बल्कि यूं कहता हूँ कि जितने भी इनके नगर परिषद के काम हुए इनकी CBI की इंक्वायरी करा लो तो कॉमनवेल्थ से बड़ा बुढ़ा लापा होगा। वहाँ भद्रकाली मंदिर से लेके सरस्वती तक बनाई है वो सड़क, और कल वहाँ 3-3 फुट पानी था, एक साइड तो सारी बैठ ही गई, दोनों साइडों में पानी था, वो पानी की निकासी के नाले बनाए उनमें पानी जाता है, पहले बने गया था तो तोड़ के दोबारा के बिल बन गए। ऐसी मौत ₹2860 कह रहे थे, एक कमेटी गठित करती है कि किसान का लागत मूल्य क्या है, उसमें वो सारी चीजों को तय करके वो सरकार के पास भेजते हैं। सरकार के पास प्रदेश की सरकार ने कल रैली करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है कि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम करा किसानों के रेट बढ़ा, जबकि सच्चाई है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने खुद माना है 2017-18 में 1 क्विंटल धान पैदा करने पे 2860 रुपए खर्च होता है और CM की अप्रूवल से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन गई है और उसके बाद 17-18 के बाद 18-19 में आज जो रेट बढ़े हैं डीजल के 16 रुपए लीटर से ऊपर डीजल के रेट बढ़ गए। GST जो खाद पे नहीं हुआ करती थी वो 5% लगा दी, GST जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे नहीं हुआ करती थी उसके ऊपर 12% GST लगा दी, जो वैट ट्रैक्टर पार्ट्स पे 5% था 18 से 28% ले गई। इस प्रकार किसान का लागत मूल्य तो बढ़ा परंतु किसान को 1750 दिया और सरकार नाचने की बात करती है। सरकार अगर नाचना ही चाहती है तो ढोल बजाए नाचे
कम से कम अपनी रिकमेंडेशन को दे, केंद्र सरकार इनकी नहीं मानती तो केंद्र सरकार की बजाय प्रदेश की सरकार किसान को बोनस देकर तब नाचे, तब तो मानेंगे कि किसान के पक्ष की सरकार है। इनके राज में किसानों को लागत मूल्य नहीं, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं, MSP भी नहीं मिला। इनके राज में जीरी लगातार 3 साल में 200 रुपये से लेकर 300-300 रुपये क्विंटल के नमी के नाम पे कट लगे। बाजरा 1 क्विंटल भी सरकार ने नहीं खरीदा, मक्का नहीं खरीदा, सरसों नहीं खरीदी, सूरजमुखी पे कैप लगा दी। तो इस प्रकार ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। और जो इस प्रकार से ये कह के कि चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह से बड़े किसान नेता है मोदी, ये उन लोगों का अपमान करते हैं जिन्होंने इस देश के किसान को जगाने का काम किया। मोरनी में इतना बड़ा रेप हुआ है, बहुत बड़ी घटना घटी है। हरियाणा प्रदेश का अपराध बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एजेंसी की रिपोर्ट आई है ग्लोबल एक्सपर्ट्स कि विश्व में सबसे ज्यादा बच्चियों और महिलाओं के जो अपराध हैं वो हिंदुस्तान में होते हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चियों पे जो अपराध हैं वो हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। नेशनल रेशो 0.3 है और हरियाणा की 1.5 है बच्चों पे अपराध में, बच्चियों पे। अब मोरनी की घटना सबसे बड़ी घटना ये है कि मोरनी के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी और पंचकुला पुलिस ने उसकी रपट भी नहीं दर्ज करी। चंडीगढ़ पुलिस में जाके उन्होंने रपट दर्ज कराई और उन्होंने बाद में केस ट्रांसफर किया है। और आज वो लोग जो पीड़ित लोग हैं वो कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पे हमें विश्वास नहीं, हरियाणा प्रदेश की पुलिस पे हमें विश्वास नहीं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं को हरियाणा में लगातार दबा लिया जाता है।